वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायक कोर्ट जाने की तैयारी में। महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामे के बाद विपक्ष के 12 विधायकों को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप लगाया कि विधायकों ने पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी। निलंबित विधायकों ने आरोपों को गलत बताया है। विधायकों का कहना है कि इस मामले में CCTV फुटेज जारी होना चाहिए। सरकार एक गलत कहानी लोगों को बता रही है। तो बीजेपी के 12 निलंबित विधायक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी और उसके बाद इन 12 विधायकों को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। अब ये विधायक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। रौनक कोकरे ज़्यादा जानकारी के साथ जुट गए हैं। रौनक, इस मामले में CCTV फुटेज जारी करने की बात कर रहे हैं विधायक, लेकिन विधानसभा के अंदर आप होंगे, क्या देखा था आपने? जी देखिए विकास, जिस वक्त ये हंगामा विधानसभा में हुआ उस वक्त छगन भुजबल जो मंत्री है वो OBC आरक्षण के संदर्भ में एक प्रस्ताव रख रहे थे और उसको लेकर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे, क्योंकि सरकार की जो मंशा दिख रही थी गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालने की, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उस पर बोलने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद हंगामा हुआ तो कुछ विधायक जो वो वेल में पहुंच गए और जो पीटर सिंह अधिकारी थे उनके माइक को भी छेड़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त विधानसभा की कार्रवाई जो है वो 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई और विधायक जो है वो सीधे विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में पहुंचे और वहां पर धक्का मुक्की हुई, इस तरह की जानकारी जो है वो कुछ सरकार की तरफ से दी गई और 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, केवल सरकार ने और स्पीकर ने जो है कहानी तैयार की गई है और हम पर कार्रवाई की गई है। दूसरा, ये पीटर सिंह अधिकारी थे, ऐसे में जब वो अपने चेयर से हट जाते हैं तो वो केवल एक विधायक होते हैं, ऐसे में विधायक के साथ अगर कोई इस तरह की वसूली कर रहा है और बाकी भी विधायक है तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से गलत है और CCTV फुटेज जारी करने की मांग जो है वो बीजेपी की तरफ से जाने लगी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक कुकरे इस जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे, लेकिन आपको इस पूरे विवाद पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि विधानसभा में हुआ क्या था। पहले सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी, उसके बाद सदन के अंदर बवाल, और नतीजा हुआ कि बीजेपी के 12 विधायक पूरे साल भर के लिए विधानसभा से निलंबित हो गए। महाराष्ट्र में सोमवार को मॉनसून सत्र की शुरुआत ही इतनी हंगामेदार रही कि बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही अगले एक साल तक विधानसभा परिसर में आने पर भी रोक लगा दी गई। आरोप है कि बीजेपी विधायकों ने वेल में घुसकर हंगामा किया और पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव को गाली दी और बदसलूकी की। वो सब अध्यक्ष के चेंबर में आए और उन्होंने मुझे बहुत मेरी माँ बहन से गाली गलौज किया और मुझे मारने का बहुत उन्होंने प्रयास किया। मैंने उनको बार बार समझाया, मैंने ये भी कहा कि यहाँ CCTV कैमरा है, आप जो कर रहे हैं वो कुछ छिपेगा नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। दरअसल पूरा विवाद OBC आरक्षण को लेकर प्रस्तावित बिल पर पहले बोलने को लेकर शुरू हुआ, जो गाली गलौज तक पहुंच गया। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने माफी मांग ली थी तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था, जबकि निलंबित होने वाले आशीष शेलार का दावा है कि गाली शिवसेना विधायकों ने दी। सबसे पहले तो भाजपा के कोई भी सदस्य ने किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए, ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। बाद में निलंबन के खिलाफ सभी बीजेपी विधायक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने भी पहुंचे।
मॉनसून सत्र को पहले ही दो दिनों का करने को लेकर बवाल चल रहा है। बीजेपी विधायकों के निलंबन को लेकर आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।